ऐसा है जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो शांति प्रिय होते हैं, और हम जो काम करना चाहते हैं वो शांति से ही काम करना चाहते हैं। तो पुलिस हमारा विरोध नहीं करेगी, किसी भी तरीका से नहीं करेगी। बाबा साहब ने भी पहले से ही जैसे उन्होंने कार्य किए थे उन्हीं के पदचिन्हों पर हम चल रहे हैं, और आज जो कार्य कर रहे हैं हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो कार्य हो रहे हैं उनका हम विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्वक काली पट्टी बांध करके हम विरोध कर रहे हैं। तो हमें अपना विरोध दूसरों को बताना, कुछ लोग दलित वर्ग के कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे बारे में क्या हो रहा है, कितने अत्याचार हमारे ऊपर किए जाते हैं, तो उनको जागरूक करना भी तो हमारा काम है। हम बुद्धिजीवी हैं, हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं, उनको भी हमें साथ लेना है और उनको साथ लेकर के हमें चलना है, हमें बताना है कि हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। कहीं पे भी चले जाइए, देखिए ये जो हम बीजेपी के भी खिलाफ हैं, बीजेपी ने जितने भी कार्य किए हैं वो देश के हित में नहीं किए हैं। ये कह रहे हैं हमारे दूसरे देशों में साख बनी है, लेकिन वहाँ जाकर के देखिए हमारे देश के नागरिकों को काटा जा रहा है दूसरे देशों में, ये साख बन रही है। और जाकर के देखिए हमारे इन्होंने GST लगाया, जिससे क्या हुआ, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था वो लड़खड़ा रही है, नोटबंदी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमारे देश की जो इनकम है वो बढ़ रही है, बिल्कुल विरोध में चल रहे हैं। आज चीन हमारे खिलाफ बैठा हुआ है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ बैठा हुआ है। पहले जो आपका जो एट्रोसिटी एक्ट है इस मसले पे आप बताएं, आगे आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? हमारी आगामी योजना रहेगी, हम हर तरीका से अगर शांतिपूर्वक ये सुनते हैं तो हम शांतिपूर्वक सुनाएंगे, लेकिन हमको अपना बल प्रयोग भी करना आता है और बल प्रयोग करके हम कुछ करेंगे।